वक्त की बड़ी खबर है, जहां पुलिस पर हमला हुआ। खेत पर कब्जे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जमकर मारपीट हुई है, जिसका दूर से बनाया गया वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमले में दो पुलिसकर्मियों समेत चार लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने जमानत की घटना को स्वीकार कर लिया है। संपर्क थाना रजपुरा क्षेत्र में पुलिस पर हमला हुआ और जमकर मारपीट की घटना रजपुरा थाना के गांव करोला गर्भी की है। इस गांव में एक खेत पर कब्जा करने की शिकायत के बाद जिंजौड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्ष के लोग मौके पर मौजूद थे, जहां पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई। वहीं दरोगा पर भी उग्र लोगों ने हमला कर दिया। जंगल में आमने सामने भिड़ंत हुई है और मामले को कई घंटे तक पुलिस छिपाए रही। थाने से घायलों को सीधे मेडिकल को भेज दिया गया। सीओ के अनुसार दोनों पक्षों ने पुलिस से मारपीट की है, जिसका केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं अब यह देखना भी होगा कि भूमि विवाद में पुलिस किस प्रशासनिक अधिकारी के आदेश पर और किस राजस्व टीम को लेकर मौके पर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। दरोगा तो भाई, दरोगा पे तो बहुत विद्वा फैल, थाने पुलिस आ रही है, वैन चले आई हुआ। मैं सलमान पहले ही वीडियो बना रहा है, बीजेपी सरकार है जो। ओए हट जा, यहाँ पुलिस आने वाली है, बहुत करीब आ रही है। मार दो अमित में, हम अरे हम तो आए, अमित है तो सही है। आज दिनांक 11 सितंबर 2022 को थाना रजपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव करोला गढ़वी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उसका खेत जोता जा रहा है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो जो खेत का असली मालिक था वो भी मौके पर आ गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश करी, परंतु इन दोनों पक्षों ने ही पुलिस के साथ मुजामत की। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास करते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है।